हेलो गाइस, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो PGCIL पे है। इस वीडियो में दोस्तों हम PGCIL के सिलेबस, उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या है, बेस्ट बुक्स कौन सी हैं PGCIL JEE के लिए, और कट ऑफ कैसे एनालिसिस होती है या फिर कट ऑफ कितनी जाती है PGCIL JEE में, इन सारी चीज़ों पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे दोस्तों का कन्फ्यूजन है दोस्तों सिलेबस को लेके। टेक्निकल का तो सिलेबस सबको पता है, पर बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं कि कौन से रीजन में इंग्लिश आती है, कौन से रीजन में इंग्लिश नहीं आती है। तो इन सारी चीज़ों को, जितनी भी कन्फ्यूजन है दोस्तों, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझे मेल किया था कि सिलेबस में, जैसे अभी NR फर्स्ट का फॉर्म आया हुआ पड़ा है जिसका एग्जाम अभी पेंडिंग में है, उसमें इंग्लिश आएगी कि नहीं आएगी। इन सारी चीज़ों के में हम वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। ये पूरा डाटा, पूरा एनालिसिस दोस्तों, कुछ लोग जो सिलेक्ट हुए हैं और कुछ ऐसे कैंडिडेट जो कि सिलेक्ट नहीं हुए हैं लेकिन वो 6 से 7 एग्जाम दे चुके हैं PGCIL का, तो पूरी तरह से एनालिसिस इसी उन्हीं के एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। तो हम बताएंगे आपको कि दोस्तों किस क्या क्या चीज़ें सिलेबस में हैं और क्या क्या चीज़ें आपको, बेस्ट बुक्स कौन सी हैं और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। गाइज, यहाँ पे पहली जो चीज़ है वो है कि सिलेबस, PGCIL JEE का सिलेबस क्या होता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि PGCIL JEE में दोस्तों टेक्निकल पार्ट और नॉन टेक पार्ट दोनों चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे दोस्तों टेक्निकल पार्ट में अगर मैं आपको बताऊं कि टोटल अगर क्वेश्चंस की बात करें तो दोस्तों टोटल 170 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 120 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल, मतलब अगर आपकी जो भी ट्रेड है, चाहे वो सिविल है चाहे वो इलेक्ट्रिकल है, रिस्पेक्टिव ट्रेड के क्वेश्चन रहेंगे। और जो 50 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों वो होते हैं दोस्तों नॉन टेक के, नॉन टेक्निकल पार्ट होता है। और टोटल टाइम ड्यूरेशन दोस्तों जो होता है वो होता है 2 आवर्स का। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ तो बहुत ही क्लियर है कि आपके जो क्वेश्चन है टेक्निकल के वो 120 आएंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम होती है जो 50 क्वेश्चन में कौन से रीजन्स में क्या क्या आते हैं, वो चीज़ें हम आपको बताएंगे डिटेल में, क्योंकि सारा डाउट इसी चीज़ से है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर PGCIL JEE में वैकेंसी साउथ रीजन, SR रीजन और ER रीजन, ईस्ट रीजन में वैकेंसी आई हुई है, इन दोनों रीजन, साउथ रीजन और ईस्ट रीजन में वैकेंसी आई हुई है, तो दोस्तों आपका जीके का पोर्शन नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा कि अगर साउथ रीजन और ईस्ट रीजन में वैकेंसी आई हुई है तो आपका जीके का पोर्शन नहीं आएगा। आपके 50 नॉन टेक में दोस्तों इंग्लिश और मैथ और रीजनिंग, इन तीन ही चीज़ों में आपके 50 नंबर बन जाएंगे। और अगर दोस्तों मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि इंग्लिश के लिए कैसे स्ट्रेटजी है, क्या पढ़ सकते हैं आप इंग्लिश के लिए, उन चीज़ों के बारे में भी आपको बताऊंगा। और अगर दोस्तों आपने फॉर्म नॉर्दर्न रीजन, NR रीजन, और अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है ईस्ट रीजन, सॉरी WR2 रीजन का अगर फॉर्म अप्लाई किया है, तो आप ये चीज़ जान लीजिए दोस्तों कि दोनों में ही GK, इंग्लिश और मैथ, रीजनिंग सब आएगी। ठीक है, अगर आपने फॉर्म नॉर्दर्न रीजन और WR रीजन दोनों का फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो इसमें इंग्लिश और GK दोनों आएगी। तो एक चीज़ तो बहुत ही क्लियर हो गई होगी कि जो अभी NR फर्स्ट का एग्जाम होने वाला है उसमें GK पोर्शन आएगा ही आएगा। अब बहुत ही रेयरेस्ट कंडीशन हो जाए दोस्तों तो मे भी हो सकता है कि ना आए, लेकिन पूरी पॉसिबिलिटीज़ है GK का क्वेश्चन आएगा। इसमें आपको 15 मैथ, 15 रीजनिंग, 10 नंबर GK और 10 नंबर इंग्लिश देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों सिलेबस को लेकर आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी। अगर हम बात करें दोस्तों इंग्लिश की, कि यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स ये सोचते हैं कि 10-20 नंबर की इंग्लिश आएगी तो वो पढ़ के नहीं जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों इंग्लिश के लिए, यहाँ पे मैं पहले ही बता दूं, मैं किसी भी ऐप या फिर किसी भी साइट का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जो लोग सिलेक्ट हुए हैं या फिर जो लोग 6 से 7 बार एग्जाम दिए, उन्होंने जो डाटा बताया उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँ। एक साइट है इंडिया बिक्स, इसका ऐप भी आता है और साइट भी है, इंडिया बिक्स। यहाँ से अगर आप इंग्लिश करते हैं तो आपका मोस्टली जो क्वेश्चन होता है PGCIL में वो आप आराम से कर ले जाएंगे। ये चीज़ें हुई इंग्लिश के लिए दोस्तों। अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों टेक्निकल पार्ट की, तो दोस्तों टेक्निकल पार्ट बहुत ही अच्छे लेवल का, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि UPPSL की तरह बहुत अनसर्टेन होगा कि आपसे PLCs खड़ा पूछ लिया, आप आपसे घूम फिर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों पावर सिस्टम के भी अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल के भी अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में दोस्तों हमेशा बेसिक क्वेश्चन होते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ कि BJT के बारे में कुछ क्वेश्चन हो जाएगा, या फिर आपको बोल देगा अल्फा बीटा गामा की वैल्यू देगा, या फिर इस तरह की चीज़ें आप, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। मतलब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के 7 से 8 क्वेश्चन आपको, उसमें से 2 से 3 न्यूमेरिकल रहेंगे। तो अगर न्यूमेरिकल करना है दोस्तों तो VK मेहता, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए VK मेहता पढ़ लीजिए, VK मेहता की जो ऑब्जेक्टिव बुक आती है। जो भी बुक्स दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा उसका लिंक, अमेजन का लिंक बाई करने का, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके सबसे अच्छी बुक
परचेस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं पुरानी पब्लिकेशन की बुक खरीद देते हैं जिनका वर्जन पुराना होता है, तो वहाँ पे उनको बहुत सारी चीज़ें नई नहीं मिल पाती। तो मैं सारी चीज़ों का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप जाके खरीद सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि कौन कौन सी टेक्निकल के लिए बेस्ट बुक है। तो दोस्तों मैं आपको तीन बुक यहाँ पे बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, जेबी गुप्ता और वीके मेहता, इसके अलावा दोस्तों आर के राजपूत। ये तीन बुक आपको कंपलसरी करनी ही करनी है, क्योंकि इन तीनों बुक्स में ही आपको कंफर्म ही क्वेश्चन आने वाले हैं, और आपको किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप इलेक्ट्रिकल में कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपको जेबी गुप्ता वीके मेहता और आर के राजपूत करके ही जाना है। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा पार्ट जो आता है कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन कंट्रोल सिस्टम के रहेंगे, तो इसका क्या इलाज है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स कंट्रोल सिस्टम नहीं पढ़े हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा जिसमें आप उसको हल्का सा भी अगर रट के भी चले जाते हैं यहाँ तो भी आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो न सिर्फ PGCIL की बल्कि अगर LMRC में भी कुछ क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ से भी आप उन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ, बुक को दिखा देता हूँ। दोस्तों ये जो आप स्क्रीन पे बुक देख रहे हैं वो है कंट्रोल सिस्टम के लिए। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स डाउट में रहते हैं कि कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो ये दोस्तों बुक है मेडिजी की, अ हैंड बुक ऑन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो दोस्तों यहाँ पे न सिर्फ इसमें कंट्रोल सिस्टम है, बाकी सारे पोर्शन है जो कि चाहे वो पावर सिस्टम से हो, चाहे वो बेसिक इलेक्ट्रिकल से हो, चाहे वो मशीन से हो, तो इसमें सारी चीज़ शॉर्ट टर्म में दी हुई है। तो यहाँ से अगर आपको किसी भी एग्जाम के लिए रैंडम तैयार करके जाना है, तो आपके पास बहुत कम टाइम है, तो आप इस बुक को देखिए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट वाइज चीज़ें दी हुई हैं, तो वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं अपनी चीज़ों को। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों, अगर आप अन्य एग्जामों के पर्पज से भी देखें तो चाहे वो LMRC DMRC किसी भी एग्जाम के पर्पज से देखें, तो ये शॉर्ट में बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि इसमें जो कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है दोस्तों वो बहुत ही अच्छा है, और लगभग सारे जो थ्योरी के क्वेश्चन होते हैं वो इसी ही बुक से आते हैं। एक बार आप इस बुक को परचेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दोस्तों इस बुक को बाय करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो वहां से आप लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट इस बुक को परचेस कर सकते हैं। और अभी अब जो इस टाइम का सिनेरियो चल रहा है, हर जगह डिलीवरी है अमेजोन और फ्लिपकार्ट की, तो आप आराम से वहां से परचेस कर सकते हैं। तो मेरा यही सजेशन है दोस्तों कि आप हैंडबुक जरूर खरीदें, मेडिजी की हैंडबुक जरूर खरीदें, हर सब्जेक्ट में आपको इक्वली बेनिफिट करता रहेगा। अब इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो यहाँ पे दोस्तों कट ऑफ कभी कभी बहुत हाई चली जाती है और कभी कभी नॉर्मल जाती है। तो इसका रीज़न क्या है दोस्तों कि कभी कभी जो PGCIL है उसमें डायरेक्ट आर के राजपूत के क्वेश्चन आते हैं। अगर डायरेक्ट आर के राजपूत के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों तो ये आप समझ लीजिए कि कट ऑफ 140 प्लस जाएगी। इसके अलावा दोस्तों कभी कभी PGCIL बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है या फिर मतलब थोड़े से कठिन लेवल का पूछ देता है, तो आपकी कट ऑफ दोस्तों 125 से 130 वैरी करती है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे आर के राजपूत के क्वेश्चन पूछ लेगा तो मोस्टली लोगों को जो कि बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, 2-3 सालों से लगे हुए, तो उन्हें आर के राजपूत पूरी तरह से रटी हुई है, तो यहाँ पे कट ऑफ दोस्तों 140 से ऊपर चली जाती है। लेकिन अगर आप एक बेसिक क्वेश्चन उड़ गया चले गया या फिर थोड़ा सा डीप लेवल में पूछ दिया तो आपकी कट ऑफ 125 से 130 तक वैरी करती है, अगर नॉर्मल वैकेंसी 25-30 है तो आप समझ सकते हैं दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी जरूर कम रहती है लेकिन कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाती जितना लोग UPSC या अन्य डिपार्टमेंट में एक्सपेक्ट कर देते हैं, ना सिर्फ एक्सपेक्ट करते बल्कि जाती भी है, तो वहाँ पे इतना आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे PGCIL के जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं वो इस चीज़ को समझ लें कि कैसे कैसे कट ऑफ का सिनेरियो होता है। अभी मेरे पास एक RTI भी पड़ी हुई है जिसमें आपको दिखाऊंगा मैं एक वीडियो बना के कि कितनी कट ऑफ जाती है, इसमें एक NR1st की मेरे पास RTI पड़ी हुई है, तो वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे लोग सेलेक्ट हुए हैं और मतलब क्या लास्ट कट ऑफ क्या जाती है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी दोस्तों मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। तो उस वीडियो को अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और दोस्तों ये PGCIL की कंप्लीट वीडियो की, बहुत सारे लोगों को इन सारी चीज़ों में डाउट रहता है, तो ये मुझे लगता है कि सारी डाउट और कन्फ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।